कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सुबह ठीक 11 बजे उत्तर प्रदेश कांग्रेस ऑफिस पहुंची। दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस नेताओं के साथ आज बैठक कर रही हैं। आपको बता दें कि यह बैठक दिल्ली में होने वाली भारत बचाओ रैली की तैयारी को लेकर की गई है। इस रैली के लिए उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। बैठक से पहले प्रियंका ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। प्रियंका गांधी के लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते ही कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद प्रियंका बैठक के लिए कार्यालय में चली गई, तभी वहां उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। हम लोग गेट आउट रहेंगे तो गेट आउट रहेगा, लाठी डंडे हम खाएं। हां सही बोलो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि हम दुर्व्यवस्था में ही है, हम ही लोग असली कार्यकर्ता है। सही कह रहे हो, बाकी घड़ियाल जैसे मुंह बना के बैठे हैं सुबह से, हम लोग मर रहे बिना चाय पानी। यही हुआ कि हम लोग मिलना चाहते हैं, हम लोग मेन स्तंभ हैं इस टीम के। हाँ। तो हम लोग नहीं मिलेंगे कैसे, क्यों नहीं मिलने दिया गया है? अब देखो अब यही सिस्टम है, अंदर लोग नहीं वो तो मिलना चाहती हैं लेकिन लोग मिलाना नहीं चाहते।